नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाफ बाजू का आपको बहुत ही प्यारा सा एक डिजाइन बना करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे हमने पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया हुआ है ओरिव वाला, और इस तरीके से हमने यहाँ पे ये डोरी के साथ में बनाए हुए हैं बटन। दोस्तों, ये है हमारे पास स्लीव्स वाला कपड़ा जिसमें से हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। स्लीव्स कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फरमा यहाँ पे कटिंग करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमने पट्टी ली हुई है इस तरीके से, इसको हमने यहाँ पे डबल कर लेना है। और डबल करने के बाद जो इसकी इस तरीके से लेंथ है, ये हमारी 10 इंच की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो जो हमें इस तरीके से लंबाई रखनी है, ऐसे ये रखेंगे हम 5.5 इंच की, 5.5 की, ये हम 5.5 रखेंगे। और यहाँ पे हम पहला निशान जो गहराई का लगाएंगे, वो लगाएंगे 3.25 इंच पर। इस स्लीव में 3.25 इंच की गहराई बिल्कुल ठीक रहती है, और 3.25 की या 3.5 की आप दे सकते हो, इससे ज्यादा आपने नहीं देनी है। अब आपका जितना भी आरमोल है, आप उस आरमोल के हिसाब से, जैसे यहाँ पे मैं 8 इंच पे लगा रहा हूँ, आपका जो भी है 7.5, 8, 8.5, उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा ले। इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से गोलाई डालनी है, ये हम यहाँ पे गोलाई डाल देते हैं, और ये हमारी यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग करनी है, जैसे सिंपल कटिंग करते हैं से वही तरीका है यहाँ तक हमारा कटिंग का। आगे की साइड हम मार्जिन रखते हुए ऐसे कटिंग कर देंगे। तो सिंपल तरीके की हमारी यहाँ पे स्लीव्स हो गई है कटिंग। अब हमें यहाँ पे जो शेप डालनी है, आपने ध्यान रखना है कैसे डालते हैं। यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हम सेंटर का एक निशान लगा लेंगे, ये हमारा सेंटर वाला निशान है ऐसे, और इस निशान से हम यहाँ पे 2 इंच का एक निशान लगाएंगे इस साइड, और यहां से हमें शेप डालनी है गोलाई वाली। तो देखिए, यहाँ पे हम इस प्रकार की शेप डालेंगे। इसकी गोलाई आप कम ज्यादा करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। इस गोलाई को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे थोड़ी यहां पे नोकी भी बना सकते हो। इस तरीके की भी यहां पे आप गोलाई डाल सकते हो। तो मैं यहां पे कटिंग कर लूंगा ऐसे ही। तो ये हमने एक साइड की यहाँ पे स्लीव्स ऐसे कटिंग कर ली है, और ये हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से आएगा जो आप देखोगे। जब ये पूरा पीस बन जाएगा, तब आपको थोड़ा पूरा प्रॉपर तरीके से पता लगेगा कितना प्यारा सा हमारा ये डिजाइन बन करके तैयार हुआ है। अब हमें कटिंग करनी है, सेम ऐसे ही पल्ले हमें 4 कटिंग करने होंगे दोनों बाजू के लिए, और एक बाजू के लिए हमें 2 पल्ले यहाँ पे इस तरीके के कटिंग करने होंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे रखूंगा यहाँ पे, और बिल्कुल बराबर बराबर इसके हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, स्लीव्स हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है, और यहाँ पे नीचे की साइड लगाएंगे हमारे यहाँ पे पोटली बटन, इस तरीके से एक एक करके यहाँ पे ये बटन आ जाएंगे, और इधर भी पाइपिंग आएगी और इधर भी पाइपिंग आएगी। तो अब हम मशीन पे चलते हैं और सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटली बटन बनाना सीख लेते हैं। ये डोरी है, और ये बटन के लिए हमने कपड़ा ले लिया है, और ये ले ली है रुई। इसको कर लेंगे हम इस तरीके से गोल। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पोटली बटन ऐसे ही तैयार कर लिए हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पे बाजू में सबसे पहले पाइपिंग। तो ये है हमारे पास पाइपिंग वाला कपड़ा, इसको हम एक साइड से यहाँ पे पहले फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे फोल्ड नहीं करना चाहते, तो डबल करके भी आप यहाँ पे पाइपिंग निकाल सकते हैं। इसमें दोनों तरीके होते हैं, और दोनों फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे आसानी से ये निकल जाएगी। ऐसे रखनी है हमें यहाँ पे पट्टी डबल करते हुए, और ऐसे हम यहाँ पे एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है, एक पैर से ज्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने और एक पट्टी यहाँ पे डबल करते हुए इस तरीके से लगा ली है। अगर आप सिंगल लगाना चाहते हो सिंगल भी लगा सकते हो। अब हमें निकालनी है पाइपिंग, तो पाइपिंग हम यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पे जितनी चौड़ाई से आपने पाइपिंग दिखानी हो ऐसे आप यहाँ पे पाइपिंग दिखाते हुए ऊपर से लगा लें सिलाई। यहाँ पे हम इस तरीके से हल्की हल्की पाइपिंग दिखाएंगे और ऊपर से लगा लेंगे सिलाई। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पाइपिंग दोनों साइड की यहाँ पे कर ली है कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है ये कट आपस में ऐसे यहाँ पे मिलाने हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम इनको मिला देते हैं तो शेप जो है हमारी बाजू की कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे एक लगा लेना है निशान, क्योंकि हमें लगाने हैं यहाँ से पोटली बटन। तो ये जो पोटली बटन है हमारे पास, आप 2, 3, 4 जितने लगाने चाहे आप यहाँ पे ऐसे रखें और ऊपर से सिलाई के साथ कर ले अटैच। तो नीचे की साइड आप यहाँ पे एक एक करके इस तरीके से पोटली बटन रख लें अच्छे से फिनिशिंग के साथ में, और गैप रखें बिल्कुल बराबर। गैप यहाँ पे आपका कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3, 4 या 5 बटन तक आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट का भी हमें ध्यान रखना है। ये देखिए 5 बटन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर की साइड यहाँ पे सिलाई लगा ली है और यहाँ पे पोटली बटन लगा लिए हैं। तो पूरी फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर ली है स्लीव्स का डिजाइन। नीचे की बात करें तो नीचे भी हमारा यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से डिजाइन आएगा, मतलब कहीं पे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। और पूरी फिनिशिंग के साथ में हमने ये आपको पूरा डिजाइन कंप्लीट करके दिखाया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही यूनिक से, सिंपल से और प्यारे से डिजाइन बना सकते हो, जैसे कि मैंने आज आपको एक आइडिया दिया है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।